राधे राधे एवरीवन। तो ये रेडी टू वेयर साड़ी मैंने ली थी अपने रिसेंट फैमिली फंक्शन के लिए, जो कि आप देख सकते हैं स्टाइल वाइज कितनी मस्त लग रही है पहनने के बाद। विद इन सेकेंड रैप होने वाली ये साड़ी विद दिस ब्लाउज पीस। इतना प्यारा कलर, एवरीथिंग इज सो गुड इन दिस साड़ी एज यू कैन सी। और ये है दूसरी साड़ी रेडी टू वियर साड़ी, ये भी एकदम विद इन सेकेंड्स में बनने वाली साड़ी। ये दोनों साड़ीज मैंने ली हैं मीशो से। यस गाइस, तो ये साड़ीज मीशो से है। फुल डिटेलिंग वीडियो आपको इस पूरी वीडियो में देखने को मिलेगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। हे गाइस, हेलो, राधे राधे, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्योति पादे शंकर। कैसे हैं आप सब? एक्चुअली ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, इस वीडियो में बताऊंगी जो मेरे बैक टू बैक अभी फैमिली फंक्शंस हुए थे उसमें मैंने दो रेडी टू वियर साड़ीज पहनी थी अलग अलग फंक्शंस में, जिसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए कि आपने ये साड़ी कहाँ से ली, प्लीज डिटेलिंग वीडियो शेयर कीजिए। काफ़ी लोगों को पसंद आई है वो साड़ीज, तो मुझे लगा कि मैंने कि मुझे खुद एक्सपेक्ट नहीं था कि मैंने जहाँ से मंगाई है वहाँ पे से इतनी अच्छी साड़ी आ सकती है। रियल इमेजेस में जैसे शो कर रहा था एग्जैक्ट वैसी ही साड़ी मुझे रिसीव हुई थी, तो मैंने वो पहनी। हालांकि अनबॉक्सिंग वीडियो में शेयर नहीं कर पाई बिकॉज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैंने इसलिए आज एक सेपरेट वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए दिखाती हूँ मेरी सबसे पहली साड़ी। सो गाइस, सबसे पहली साड़ी है मेरी ये, जो कि है नेवी ब्लू कलर में। इसमें ये पल्लू स्टिच्ड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, मतलब कंप्लीट रेडी टू वियर साड़ी है। और ये जो साड़ी है ना, ये लहंगा टाइप है। मैं इसकी इमेजेस डाल दूंगी और साइड में आप देख लीजिएगा कैसी लग रही है ये। इसका जो लुक है फ्रंट पे, ये लहंगा लहंगा स्टाइल है, स्कर्ट टाइप, मतलब ये स्कर्ट दे रखी है इन्होंने यहाँ पे विद दिस काइंड ऑफ रफल, नीचे रफल दे रखा है थोड़ा सा, और ऊपर सिंपल प्लेन स्कर्ट है जिसमें आगे से ये पल्लू अटैच कर दिया है। और क्योंकि यहाँ पे आगे इतनी वो दे रखा है तो वो प्लीट्स ही लगती हैं, ऐसा लगता है यहाँ पे प्लीट्स है। और आगे से एक शॉर्ट पल्लू अटैच कर दिया है जिसको आपको स्कर्ट की तरह पहन लेना है और पल्लू को ऐसे करके ड्रैप कर लेना है। विद इन सेकेंड्स बनने वाली ये साड़ी है गाइस। कपड़ा इतना सॉफ्ट है कि आप इसको एक रिंग में से निकाल लोगे, इतनी कंफर्टेबल है, इतनी कंफर्टेबल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए गाइस, इतनी सी हो जाएगी ये साड़ी तय होने के बाद। इसमें बस एक ही चीज की दिक्कत लगी मुझे, वो है कि कपड़ा जो कि बहुत ही हल्का था, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट था। बाकी ओवरऑल ये साड़ी अकॉर्डिंग टू द प्राइस बहुत ज्यादा ऑसम है। इसके अंदर मैंने एक लाइनर पहन लिया था ब्लैक कलर का, और उसके बाद जस्ट वाओ। और इसके साथ जो मुझे ब्लाउज का पीस रिसीव हुआ था वो स्टिच नहीं था, अनस्टिच था, लेकिन जो कैटलॉग इमेजेस होती है ना उसमें ब्लाउज का डिजाइन ये था इस साड़ी के साथ लगा हुआ, तो मैंने यही उसी का ही सेम डिजाइन बनवा लिया। ये आप देख सकते हैं, बाकी मैं इमेजेस में दिखा दूंगी क्योंकि ऐसे शायद आपको क्लियर समझ में ना आए। तो ये ब्लाउज मैंने बनवाया पड़ोस वाली भाभी से, सेम गेट स्लीव्स का डिजाइन एंड ऑल, बिल्कुल वही डिजाइन मैंने बनवा लिया जो इस साड़ी के साथ ये ब्लाउज लगा हुआ था इमेजेस में। और मुझे क्योंकि लगा कि शायद ब्लाउज स्टिच्ड है, लेकिन जब ये मुझे रिसीव हुआ तो ये सिर्फ और सिर्फ पीस था, ब्लैक पीस। तो मुझे लगा कि यार ऑब्वियसली बात है, इतने कम प्राइस में कौन आपको ब्लाउज स्टिच दे देगा। देन आई रियलाइज कि हाँ, इसका कपड़ा ही आएगा। और तो और इसके साथ थोड़ा सा ब्लैक नेट भी आया था जो कि यहाँ पे लग गया इधर की साइड, लेकिन स्लीव्स पे नहीं हो पाया, तो मैंने उसके लिए अलग से नेट लगवाया था। नॉन पैडेड इसलिए क्योंकि इसमें पैड की जरूरत नहीं थी, आगे से इतना है मोटा कपड़ा है ये, तो उसमें कोई जरूरत नहीं है पैड की। तो ये मेरी साड़ी, मुझे ब्लाउज समय जो प्राइस था आई थिंक 580 समथिंग की पड़ी है। स्क्रीन पर मैं ऑनलाइन इसका एक्चुअल प्राइस डाल दूंगी, तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 580 समथिंग में पड़ी है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, तो वो मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगी आपके लिए। तो ये साड़ी ओवरऑल आपको कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो पार्टी वेयर बहुत अच्छी लगी, पार्टी के अकॉर्डिंग छोटे मोटे फैमिली फंक्शंस में आप डाल सकते हो, और प्राइस के अकॉर्डिंग तो जस्ट वाओ, इतनी कम प्राइस में इतनी बढ़िया साड़ी, कलर वलर बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद आती है मेरी दूसरी साड़ी जो कि मेरी वन ऑफ फेवरेट थी है, आई मीन क्योंकि ये कलर बहुत ज्यादा इन है आजकल। आजकल आपको शायद पता होगा पर्पल, लेवेंडर और प्याजी, ये शेड बहुत ज्यादा इन है, बहुत ट्रेंडिंग में है, तो मुझे चाहिए ही था प्याजी कलर और लकीली मुझे मिल गया। तो आई वॉज थिंकिंग कि पता नहीं यार ये साड़ी जैसी दिख रही है वैसी आएगी या नहीं आएगी, बट वैसी ही आई है गाइस। और इसका कपड़ा जस्ट वाओ, इतना सिल्की सॉफ्ट है और बॉडी पे ना एकदम चिपक जाता है जिसकी वजह से आप एकदम पतले लगते हो, और
बहुत ही अच्छा फिट आता है इस साड़ी का। यहाँ पे देखिए, इसमें अलग अलग कमर के साइज के इसमें यहाँ पे हुक्स लगा के दिए हुए उन्होंने, 1 2 3 4 5 6, मतलब आप अपनी बैली के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। ये सब कम्प्लीटली स्टिच था, आपको सिर्फ इसको ऐसे जाके बांधना है वेस्ट पे, और वेस्ट पे बांधने के बाद यहाँ पे ये हुक का टाका दे रखा है ऐसे राउंड लाके, जितना भी आपका वेस्ट है अकॉर्डिंग टू आप सेट कीजिए और आपको यहाँ पे लगा लेना बस। एंड नाउ यू आर रेडी। ये पल्लू है इसका, और बेस्ट पार्ट इसका क्या है पता है, कि मुझे इसमें ब्लाउज जो मिला है वो कम्प्लीटली स्टिच मिला है। मुझे इसमें ब्लाउज सिलवाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका जो ब्लाउज पीस है ना, वो इस साड़ी की जान है। इसका ब्लाउज पीस जस्ट वाओ, लुक एट द डिजाइन गाइस, कितना डिफरेंट है फ्रंट से। ये देखिए आप, इसका जो वर्क है वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत वर्क है, और एकदम डिफरेंट डिजाइन के साथ है। इसका फ्रंट का डिजाइन ना बहुत ही प्यारा है, कोटी वाला डिजाइन है इसका, और मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया इसका ब्लाउज। और ये है इसका बैक, जिसमें ऊपर एक डोरी दी है और नीचे एक डोरी दी है सिंपल। तो ये साड़ी है, जो कुछ लोग ऐसे कंफर्टेबल कपड़े नहीं पहन पाते हैं तो आप अलग से नेट लेकर उसमें यहाँ पे नेट का डिजाइन, नेट स्लीव्स लगवा सकते हैं, बट मैं तो पहन लेती हूँ। हालांकि ये फैमिली फंक्शन जो मैंने पहना था वो पूजा का प्रोग्राम था, तो मुझे लगा मुझे कौन सा पूजा में कुछ काम करना है, मम्मी को ही करना है सब कुछ, तो मैं तो पहन ही सकती हूँ ये। बट आपने अगर ब्लॉग देखा हो मेरी मम्मी के गृह प्रवेश का, तो उसमें मुझे ही बैठना पड़ा पूजन में, क्योंकि पंडित जी बोले जो स्टार्टिंग का पूजन होता है वो जोड़े से ही होता है। इस वजह से मेरे भाई की भी शादी हुई नहीं है, बट क्योंकि दुपट्टा वगैरह डालते हैं तो इतना इशू नहीं है। मतलब ये परफेक्ट है पार्टी वेयर के अकॉर्डिंग, तो परफेक्ट परफेक्ट साड़ी है इसका दुपट्टा एंड ऑल। और इस साड़ी में जो जान डाली है ना, जो एक रॉयल लुक दिया है वो दिया है इस बेल्ट ने, जो कि मुझे रिसीव हुई थी इस साड़ी के साथ ही। मतलब ये कंप्लीट 3 पीसेस साड़ी है, ब्लाउज साड़ी और ये बेल्ट। लुक एट दिस, बहुत ही खूबसूरत साड़ी लगी मुझे गाइस। इसका कलर, इसका कपड़ा एंड ऑल, इमेजेस और वीडियोस जो मैंने बनाई है वो मैं साइड में डाल दूंगी। सब कुछ बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे तो, आपको कैसा लगा प्लीज नीचे बताना। इसका प्राइस आई गेस 600 और 800 है इस वाली साड़ी का, प्याजी वाली का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी आप लोग। ये दोनों साड़ीज मैंने मीशो से मंगाई है, मीशो इज जस्ट वाओ। मैं काफी हद तक स्विच कर चुकी हूँ फ्लिपकार्ट से मीशो पे, मेरी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग बहुत कम हो गई है, मैं मोस्टली शॉपिंग मीशो से करती हूँ। ओवरऑल गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और किस टाइप का कंटेंट आप चाहते हो मेरे चैनल से प्लीज मुझे नीचे कमेंट करना, सो दैट मैं अपकमिंग वीडियोस आपके साथ उसी कंटेंट पर शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग गाइज, मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, टाटा।